अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि भाई फैन से अब इंतजार नहीं हो पा रहा है कि उमर अकमल को हम कब इन एक्शन देखेंगे, अहमद शहजाद को, इसके अलावा शर्जील खान का जो है वो तगड़ा वार देखने के लिए तैयार है। तो भाई शर्जील खान का सीन क्या है वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जी फखर जमान को लेकर भी फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कि फखर जमान की क्या इस मरतबा नई टीम तो नहीं होने जा रही है, क्योंकि उनको वैसे भी अंदाजा लगाने की, आपको पता है, अंदाजा लगाने का शौक होता है कि यार इस मरतबा फखर को टीम चेंज करनी चाहिए ताकि मजा आ जाए कि फखर जमान जब वो किसी और टीम में जाए और परफॉर्मेंस दिखाएं तो फिर उसका एक और ही मजा होगा। शाहीन को फेस करेंगे, हारिस ट्रॉफ को फेस करेंगे। बरल जी सबसे पहले बात कर रहे हैं अहमद शहजाद की, और उनके लिए तरस गए उनके फैंस के अहमद शहजाद को यार हम पीएसएल के अंदर देखें, अहमद शहजाद को वो मिस कर रहे हैं। अब लेट्स ही देखते हैं अहमद शहजाद किस टीम में आता है, पिशावर जलमी और ग्लेडिएटर के अंदर। मैं पहले भी पता नहीं कितनी मरतबा बता चुका हूँ कि भाई उनके चांसेस हैं ग्लेडिएटर और जलमी के अंदर, लेकिन बेस्ट विशेष यही है कि शहजाद कम अज कम पीएसएल खेले, जिस टीम की तरफ से भी खेले। इसके अलावा जी उमर अकमल क्वेटा ग्लेडिएटर की नुमाइंदगी करेंगे, और इस मरतबा उमर अकमल बड़े डेंजरस मूड में नजर आ रहे हैं। उमर अकमल जो वो ठीक ठाक मतलब फैंटी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि वो मतलब पीएसएल के अंदर कुछ करके दिखाएंगे। इसके अलावा शर्जील खान कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे, जिस तरह आप जानते हैं शर्जील खान के ऊपर इस वजह से नजर ज्यादा है क्योंकि शर्जील एक ऐसा प्लेयर है जो बेचारा परफॉर्मेंस दिखा के थक चुका है, और ऐसा प्लेयर अगर परफॉर्मेंस दिखा के थक चुका हो, यानी कि जो इतना बेहतरीन खेलता हो और ओपनिंग बल्लेबाज, तो उसके लिए फिर आपको पता है फैन का दिल तो धड़कता ही है। इसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ पर फखर जमान की, तो फखर जमान के लेकर यही सीन है कि फखर जमान लाहौर के अंदर एक्सपेक्टेड है, और मोस्ट लाइकली जो भी कहें तो फखर जमान का सीन यही बन रहा है कि एक बार फिर लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करेंगे फखर जमान, क्योंकि उनके लिए शायद बेस्ट ऑप्शन भी यही है कलंदर के लिए। बालाजी ड्राफ्ट के ऊपर नजर आए कि फिर जब ड्राफ्ट होगा 15 दिसंबर को, उस दिन पता चलेगा कौन से बड़े नाम कहां जा रहे हैं। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।